बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आगे आगे आ जाइए आप सभी। और आज जो हम करेंगे ना, बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थोड़ा सा लेंदी रहता है ये, लेकिन है बड़ा आसान, स्टार्टिंग से लेके चलोगे। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बोला जाए ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो आपको तीनों एक्टिविटी बनानी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। लेकिन आपसे बोला जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो एक एक्टिविटी बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, या तो कई बार सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ लेगा, या सिर्फ आपका फाइनेंसिंग पूछ लेगा, या ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग पूछ लेगा, या ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है, ऐसा मत सोचना कैश फ्लो लिखा चलो बनाने। आप उसके आगे रिक्वायरमेंट भी देखो कि क्या पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं अभी फिलहाल फॉर्मेट बनाने वाला हूँ, आपको फॉर्मेट समझाऊंगा मैं तो। सो आप एक काम करना है, आप सिर्फ इसको नोटिंग करिएगा, साथ के साथ नोटिंग करिएगा, और मैं साथ के साथ थोड़ा सा हिंट भी देता जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। अभी मैं फिलहाल सिर्फ फॉर्मेट नोट करूंगा, आपने करना क्या है, साथ के साथ नोटिंग करना है इसको सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दो कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या आइटम है, सर ये कैसे आया, सर यहाँ ऐड क्यों हो रहा है, ये लेस क्यों हो रहा है, बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे। उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा ईच पॉइंट को, तो पहले मैं सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ डिटेल का कॉलम आएगा, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, सारी बातें को डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, नेट प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। इसके बाद देखा जाए तो इसमें कुछ पार्ट्स ऐड करेंगे हम, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो ऐड होगा करंट ईयर का। फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ आपसे, सिर्फ आपको नोटिंग करना है, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। फिर आएगा यहाँ पे प्लस डिविडेंड, डिविडेंड, और जो डिविडेंड लेंगे वो लेंगे प्रीवियस ईयर का। डिविडेंड के बाद फिर प्लस करेंगे हम इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। सेकेंड क्लास है ये आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के, पहले में बेसिक्स करे थे और इसके अंदर हम कुछ फॉर्मेट्स कर रहे हैं। इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इसको मैं नया नाम देना चाहता था, या पहले ये कर लेते हैं एबनॉर्मल लॉस। मैं सारी बातें समझाऊंगा इसे, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस प्लस करेंगे जनरल रिजर्व, इंक्रीज, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सारा पॉइंट हमने कर दिया प्लस वाला। इसके बाद माइनस करेंगे हम लेस वाला, माइनस के लिए मैं लेस लिख रहा हूँ, लेस, लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये आ जाएगा हमारा आइटम यानी प्रॉफिट, और ये एबनॉर्मल बेसिकली गेन होगा, और लेस होगा हमारा इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, ये लेस वाले आइटम है, ठीक है ना। दो बातें लेस करने वाले, और इसको हम यहाँ दिखाएंगे, नहीं अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसे इंटरनली कर सकते हो। और क्या ऐड होगा,
मैं बेसिकली थोड़ा सा बता दूं, ये सारी आइटम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके जो जितना मैंने ये पार्ट करा है ना, इसके बेसिस पे भी आपका अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 4 का बन सकता है। इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली वर्किंग नोट है, जो वर्किंग नोट बुक वगैरह में अलग से किया जाता है उस वर्किंग नोट को मैं अलग से ना करके मैं स्टेटमेंट के अंदर कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस वर्किंग नोट को बोला जाता है प्रॉफिट कैलकुलेशन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि मैं इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करूँगा। जब मैं पूरा समझाऊँगा ना तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले फिलहाल आप नोटिंग करिए, इसके बाद क्या क्या ऐड हो सकता है, नॉर्मल चीज़ें हैं डेप्रिसिएशन, और क्या ऐड होना है इसमें, ऐड होना है हमारा गुडविल, रिटर्न ऑफ। अभी मैं हर बच्चों को बोल रहा हूँ कि आपने सिर्फ नोटिंग करना है, अभी जजमेंट नहीं करना आपने, सर ये कैसे आया, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एफए का मतलब है फिक्स एसेट्स, एफए का मतलब है फिक्स एसेट्स, और क्या ऐड होगा सर, और ऐड होगा हमारा गुडविल लिख लो, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी राइट ऑफ होगा तो यहाँ होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, राइट ऑफ लिख देता हूँ, डब्ल्यू एफ कर दिया है मैंने। इसके बाद और क्या आएगा यहाँ पे, और ऐड होगा इसमें इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, और क्या ऐड होगा यहाँ पे, और ऐड होगा यहाँ इंटरेस्ट पेड के बाद, और ऐड होगा डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। और अब लेस के कुछ आइटम देख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एफए लिख रहा हूँ मैं, फिक्स एसेट्स, और क्या लेस होगा, आपको शायद यहाँ विजुअल ना हो, इसको टू बी कंटिन्यू, आगे आपके पास रजिस्टर है आप कंटिन्यू करेंगे इसको, डिटेल अमाउंट, हम लेस पे चल रहे हैं, लेस रेंट रिसीव्स, जो लेस वाला है उसे ब्रैकेट में दिखाना है, इस बात का ध्यान रखना। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया और ये ब्रैकेट में दिखाया, और क्या हो सकता है, लेस डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्स, रिसीव्ड, और क्या हो सकता है, लेस लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्स, उसे भी हम लेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक हमारा एक हेडिंग जनरेट होगा, उस हेडिंग का नाम मैं लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चेंजेस, और अब इसको टोटल करना है और यहाँ दिखाना है, और इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें क्या करना है, दो आइटम तो हमारे ऐड वाले हैं, जैसे क्या क्या ऐड वाला है, इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और डिक्रीज इन करंट एसेट। लेस क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और इंक्रीज इन करंट एसेट, सी ए का मतलब करंट एसेट से, ठीक है ना। तो ये दो आइटम ऐड वाले हो गए, और ये दो आइटम हो गए हमारे पास माइनस वाले, ठीक है ना। इसके बाद ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, अगेन एक हेडिंग और जनरेट होगा हमारे पास, क्या लिखेंगे, नेट
ऑपरेट नेट प्रॉफिट तो हो गया हमारा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट कैश एंड कैश जनरेशन लिखते हैं, कैश जनरेशन ये वर्ड आएगा, कैश जनरेशन फ्रॉम, कैश हमने जनरेट किया फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसके आगे हमने टोटल करके ये लिख दिया, और क्या लिखना है नोटिंग करिए आप। इसमें क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, और क्या करेंगे सर, और हम लेस कर देंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक्सपेंस वाला पार्ट लेस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट वाला पार्ट, प्रॉफिट वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट वाला पार्ट। जी ठीक है, अब इसमें देखा जाए ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, नोटिंग करते जाइए। और हमारा एक हेडिंग जनरेट होगा जिसको बोलेंगे, या तो आएगा कैश फ्लो, या फिर आ जाएगा आपका कैश यूज्ड। सर फ्लो कब आएगा, जब पॉजिटिव बैलेंस आता है तो फ्लो, और माइनस आएगा तो यूज्ड। फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग विटीज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी बस आपने फॉर्मेट फॉर्मेट नोट करना है, कैसे होगा नहीं होगा। मैं नेट प्रॉफिट से समझाना चालू करूँगा और हर एक आइटम को बड़े डिटेल में डिस्कशन करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी टाइम लग जाए, एकदम से भगाने वाला काम नहीं करूँगा कि ठीक है नोट कर लो इसके बाद करो। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना, 80% कैश फ्लो खत्म हो जाता है हमारा, 80%। और हाँ, कुछ पे एडजस्टमेंट भी रहने वाला है, उसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ जिसके ऊपर ना एडजस्टमेंट मिलेगा आपको। तो सर एडजस्टमेंट किस किस पे होगा, ये देखो स्टार आप भी बना लेना ताकि आपको याद रहे इस पे एडजस्टमेंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, स्टार ये हमारे क्वेश्चन के स्टार रहेंगे जिसके ऊपर एग्जामिनर आपको एडजस्टमेंट देगा। और इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, डिविडेंड पे अब नहीं रहा, पहले होता था, क्या है डिक्रीज इन सीए, हाँ नहीं हाँ डिक्रीज इन सीए लेस है, मैंने सीए तो लेस लिखा है, अच्छा ये सीए करंट एसेट, हाँ ये ऐड है दोनों, और ये दोनों लेस है, ठीक है ना। चलिए और किस पे स्टार बनाएं, किस पे स्टार बनाएं, इस पे स्टार बनेगा, हाँ डिविडेंड के ऊपर भी हो सकता है लेकिन अब हट गया वो चीज़ है ना, ठीक है ना। तो ये है फॉर्मेट, और इसके नीचे भूलिएगा नहीं एज एट एज ऑन एज भी लिखना होता है इसके नीचे फॉर द, ये जब मैं पूरा फॉर्मेट लिखूंगा ना, जब पूरा क्वेश्चन करूंगा तो लिख दूंगा एज ऑन एज फॉर द ईयर एंडिंग जो भी रहता है। चलिए आप नोट करिए जल्दी जल्दी, एक ही पेज पे नोट करना है, आपके पास तो प्रॉपर पेजेस है तो आपको तो दूसरे पेज पे नहीं जाना होगा, एक ही पेज पे नोट हो जाएगा, ये हो जाएगा इजीली। अच्छा ज़्यादा जा रहा है आगे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आगे तक ले जाओ फिर देखते हैं। के लास्ट क्लास में जस्ट हमने अभी ये सारा पूरा फॉर्मेट करा है, ठीक है, अब हम इस फॉर्मेट को ना अच्छे से समझेंगे डिटेल में, जल्दबाजी मुझे नहीं करना क्योंकि पहले हम पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। अगर एक बार हम अच्छे से समझ गए तो फिर हमारा ये चैप्टर
जो टाइम लगना है ना इसी पे लगना है, हमारा जो आगे का एक्टिविटी है ना, चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है चाहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो एक एक क्लास का चैप्टर पॉइंट्स है और एक एक क्लास में हो भी जाता है। वो जो टाइम लगता है किस में लगता है, ऑपरेटिंग में, समझने में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमने ये पूरा फॉर्मेट नोट कर रखा है अच्छे से, और अब इसके बाद एक एक पॉइंट करके समझेंगे। और सबसे पहले मैं समझाऊंगा सर ये नेट प्रॉफिट क्या है। अब इसके अंदर ना कई बार एग्जामिनर पता है क्या पूछता है कि आप निकालिए नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। ये कहता है कि आप नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाइए बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स से। तो क्वेश्चन ये होता है, कई बार मैं कराता हूँ उसके अंदर, अगर मैं अलग से वो चीज़ें निकालना सिखाऊँ तो वो टाइम अननेसेसरी हमारा लग भी जाता है और बच्चे फिर उसको समझते भी नहीं है। तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ बड़े ही सेपरेट तरीके से अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो यहाँ से लेके मैं जहाँ तक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, तो अगर इसको अलग एक जगह पे कर दो तो यही क्या बनता है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या टैक्स। तो हम अलग से जो करें, मैंने क्या करा, इसी फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अगर एग्जामिनर ने आपसे मान लो पूछ लिया नेट प्रॉफिट, तो आपने क्या करना, इतने फॉर्मेट को अलग से कर देना है बस, ठीक है। बाकी इसमें समझ में हमें सारा आ जाएगा, क्लियर। तो कुछ बच्चों का हो सकता है मे बी डाउट हो के सर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपने कराया नहीं, तो मैं इसी के अंदर कवर करूंगा उसको लेके। तो देखिए सबसे पहले क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम समझते हैं, नोट हर किसी का बना लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं समझाने वाला हूं आपको नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट के नोट की बात करूं, नेट प्रॉफिट आपको दो तरीके से देखने को मिल सकता है। सर नेट प्रॉफिट भी क्या दो तरीके से मिलेगा देखने को, डेफिनेटली। एक तो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, सबसे पहली बात करते हैं बैलेंस शीट में। और ये चैप्टर जो चलता है ना हमारा, मैक्सिमम केस में ये चैप्टर चलता है डिफरेंस के बेसिस पे। डिफरेंस के बेसिस का मतलब क्या होता है, दो साल का आपको डेटा गिवन होगा और उसी में से हम डिफरेंस ले लेके फिर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो आपको ऐसे बैलेंस शीट गिवन होगा। आपको तो पता ही है कि बैलेंस शीट जो है न्यू वाला जो आपने सीखा है वो होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दो गिवन होगा, दो, जैसे 2000 मान लेते हैं 17 और 2000 मान लिया हमने 18, ठीक है ना, 2017 और 2018 मान लेते हैं यहाँ पे गिवन है आपको। सबसे पहले देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस, इसके आगे नोट में होगा और यहाँ लिखा होगा आपका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर यहाँ पे मान लेते हैं गिवन है 5000 और यहाँ पे गिवन है आपका 6000, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो लिखना है ना, कौन सा लिखना है, 5000 और 6000, तो 5000 से 1000 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो यहाँ पे 1000 लिखना है आपने। जब हम शुरुआत करेंगे तो कितना लेना है हमें, 1000। एक तो ऐसे गिवन हो सकता है, दूसरा मे बी पॉसिबल है कि हमारा जो है ना दोनों साल में लॉस दिखा दे। मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आप एक बार में नोट कर लेना। मान लेते हैं क्या आपको, मैं थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है मुझे यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, क्लियर भी विजुअल रहेगा आपको। मे बी पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया 2017 और 2018, मान लो मैंने कहा यहाँ पे 3000 माइनस का है और यहाँ 4000 रुपये प्लस का है, माइनस का है सपोज करो, तो अब यहाँ क्या लेंगे, अगेन 3000 माइनस का और 4000 माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है बताओ, लॉस। माइनस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1000 रुपये का लॉस और बढ़ गया है। पहले 3 का लॉस था और अगले साल 4 का लॉस हो गया, तो लॉस कितने से बढ़ गया, तो यहाँ पे आपको 1000 लेना है और वो भी किस में लेना है, माइनस का। तो ब्रैकेट डालना है यहाँ पे, जो चीज़ें माइनस का होगा ना उसको ब्रैकेट्स के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि पहले आपका माइनस का था और बाद में आप प्लस का हो गया, तो अब हमें पता करना है कि कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट के, हमें कितना लेना चाहिए यहाँ पे, 7000 कितने लेने चाहिए। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है सर 7000 किसी ने बताया, चलो ठीक है, लेकिन कैसे हुआ। देखो पहले मेरा 3000 का लॉस था, इस लॉस को रिकवर जब हमने किया होगा तो जीरो पे आए होंगे, तो 30 कमा लिए, 3000 कमा लिए और बोल रहे हो 4 और कमा लिए, तो इसका मतलब टोटल इस साल का प्रॉफिट आपने पता है कितना किया होगा,
7,000 रुपये। तो यहाँ पे कितने अमाउंट लोगे आप? 7,000 रुपये का प्रॉफिट। यानी जब माइनस प्लस का डिजिट होगा ना, तो आपने प्लस करके उसको लेना है। माइनस माइनस में भी डिफरेंस लेना है, प्लस प्लस में भी डिफरेंस लेना है, लेकिन जब माइनस प्लस का होगा तो उसको प्लस करके लेना है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। अगर सपोज करो ये मैंने रखा है प्लस का और ये रखा है मैंने किसका? माइनस का। अगर मैंने ये प्लस का रखा है, ये माइनस का रखा है, तो अब बताइए यहां पे क्या लेंगे? बताओ। माइनस का 7,000, बिल्कुल सही जवाब, माइनस का 7,000 लेंगे। पहले हम, मैं यही निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, देखिए अब बताना आप, माइनस का 3,000 और माइनस का 2,000, बताइए अब क्या करेंगे? 1,000 लेंगे। लेकिन 1,000 रुपये क्या लिखे यहां? प्रॉफिट है 1,000 या लॉस है? प्रॉफिट है। पहले 3 का लॉस था, अब बोल रहे 2 का लॉस है, तो 1,000 तो कमाए आपने, प्रॉफिट। देखो ये पहले पॉइंट में बच्चा गलती कर रहा है और एग्जामिनर उलझाएगा ऐसे। तो फिर से देखो, अगर यहां पे हुआ माइनस माइनस तो लेंगे डिफरेंस, लेकिन उसे प्रॉफिट मानोगे या लॉस मानोगे, लॉजिक से सोचना पड़ेगा। अगर ये होता 4 और 5 तो लॉस था, अगर हो गया 4 और 3 तो प्रॉफिट हो गया। और प्लस प्लस रहेगा मैक्सिमम केस में, 90% केस में आपको प्लस प्लस देगा, तो चिंता की तो बात ही नहीं है प्लस प्लस वाले केस में, वो तो आपका डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पे हमें क्या लिखना है, यहां पे प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है। दूसरा ये हो सकता है, ये आपको कहां गिवन हो? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। सर अगर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन हुआ तो कैसे करेंगे? इसके लिए देखो, आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे रखा होगा, आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, आपने पहले किया था P&L, बनाया था P&L। मैं ये वाला पॉइंट, नोट्स वाले लाइन बोलोगे सर नोट्स नहीं लगाओगे क्या इसमें? मैं तो रफली सिखा रहा हूं अभी, जब पूरा होगा क्वेश्चन तो गिवन ही होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको यहां पे क्या लिखते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, रेवेन्यू लिखते थे, फिर सब कुछ करके यहां पे आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद माइनस क्या करते थे? टैक्स। ये आता था हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ जाता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे गिवन होगा, तो आपने ये वाला प्रॉफिट उठाना है जो टैक्स माइनस करने के बाद वाला है, वो वाला यहां पिक करना है। तो आपको प्रॉफिट दो जगह देखने को मिल सकता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हुआ तो क्या लोगे? डिफरेंस। और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो कौन से वाला प्रॉफिट पिक करोगे? टैक्स माइनस करने के बाद वाला होगा, उसको पिक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर। पहले फर्स्ट पॉइंट में बताइए डाउट है तो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट में डाउट है किसी को? किसी को बताइए क्या डाउट है, कौन से वाला? 10,000 तो कहीं नहीं है। हाँ तो 3,000, 2,000, 1,000 है ना, मैं 10 नहीं बोल रहा, 1 बोल रहा हूँ। हाँ तो अरे 3 लॉस था, अब 2 का लॉस है, तो 1 का प्रॉफिट ही होगा ना। आप आज 3,000 कमा के लॉस है और कल आपका लॉस होता है 2 ही का बचता है, तो आपने 1,000 कमा के उस लॉस को कम किया होगा ना, तो 1,000 आ जाएगा ऐसे, समझे बात। और ये पहले ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है, तो आप एक एक करके पॉइंट नोट कर लीजिए। पहले ये वाला नोट करना चाहते हैं कि प्रॉफिट ऐसे गिवन हो सकता है, तो इसको नोट करिए। अगर आपको समझ आ गया है तो मैं दूसरे पॉइंट पे चलूंगा इसमें से, ठीक है। ये वाला तो देखिए पूरा नोट कर ही रखा है, अब इसके अंदर दो तरीके से दे सकता है, ये नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आगे, टू बी कंटिन्यू, इस वाले पॉइंट पे आएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ऐसे करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट को समझने। तो पहला पॉइंट समझ में आया, प्रॉफिट कौन से वाला लेना है यहाँ पे? बैलेंस शीट में भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है? तो बैलेंस शीट में कब कब कैसे लेना है वो भी मैंने आपको समझाया, और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में वो भी समझाया। आज का टाइम हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको समझने में ही जाएगा, और जब हम इसे अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी, है कि नहीं। तो आप फटाफट से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे दूसरे पॉइंट पर चलूँगा। आज जो हम करेंगे, क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलरेडी डन कर चुके हैं हम, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ऑपरेटिंग के बाद हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं किया।
अब आप कैश फ्लो के अंदर ना सबसे ऊपर जो पहले लिखते थे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नाउ अब हमें कैश फ्लो के अंदर सबसे टॉप पे लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना है सबसे टॉप पे, जो लिखना है वो लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आपको एज एट और ये डेट भी लिखना कंपलसरी है। फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आंसर में, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा जाए तो सिर्फ ऑपरेटिंग लिख देंगे, अगर तीनों पूछा जाता है ना तभी हम लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझे बात आप? अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? पर्टिकुलर। और नाउ यहाँ बीइंग, यहाँ पे ए पार्ट था हमारे पास, और ए पार्ट जो था ना उसको पता है हम क्या लिखते थे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कैसे आएगा ये हमने देखा हुआ है, वही आपका हेडिंग के आपका पॉइंट्स जैसे देखा था हमने, क्या क्या देखा था? नेट प्रॉफिट, उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर देखा था कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। यानी ये आंसर तो आप निकालना सीख चुके हो। इसमें हमने एडजस्टमेंट भी देखे थे, कौन कौन से एडजस्टमेंट देखे थे? आपका इनकम टैक्स का, डिविडेंड का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, डिप्रिसिएशन का, सारा एडजस्टमेंट डन हो गया था यहाँ पे। जैसे ही ये वाला ख़त्म होता है ना ए हेडिंग यहाँ लिखने के बाद, हमारा आता है अगला हेडिंग बी, यानी आपको मैं जब क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा, बी हेडिंग बनेगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सर इसके लिए कैसे करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और हर एक्टिविटी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, मैं इन्वेस्टिंग करूंगा फिर नीचे फाइनेंसिंग और फिर हमारा देन कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने टाइम पे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है और कैसे करना चाहिए वो पहले हम एक बार समझते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है, पहले ही सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, ये एसेट से रिलेटेड होता है, और वो भी कौन सा एसेट्स? फिक्स लॉन्ग टर्म एसेट से। इन्वेस्टिंग में मेनली देखते हैं हमारा कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा, यानी इनफ्लो होगा तो हम प्लस करेंगे, आउटफ्लो होगा तो माइनस। सबसे पहले मैं प्लस की अगर बात करूं तो प्लस के क्या रीज़न है ऐड होने के इनफ्लो के? अगर आप क्या कर देते हो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि आप जैसे ही फिक्स एसेट्स को बेचोगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, वो यहाँ लिख देंगे। और क्या हो सकता है पैसा आने का रीज़न? अब फिक्स एसेट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जोड़ लो आप, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कहाँ कहाँ से पेमेंट आ सकता है? अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा हो आप, या फिर रेंट। आपको याद होगा मैंने ऑपरेटिंग में माइनस करवा दिया था रेंट रिसीव को, वहां पे माइनस इसलिए किया था क्योंकि ये रिलेट करता है कौन से एक्टिविटी से, यहां पे प्लस कर देंगे हम। से माइनस के क्या क्या रीजन हो सकता है? माइनस में अगर आप परचेज करोगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट तो माइनस में जाएगा। सेम ऐसे देखा जाए तो और कम माइनस हो सकता है? सेम परचेज आप क्या करोगे, तो माइनस में जाएगा, ठीक है ना। और एक और है हमारा गुडविल, मैंने बताया था अगर गुडविल घट जाता है ना तो ऑपरेटिंग में चला जाता है, लेकिन यहां पे अगर गुडविल खरीदोगे यानी इंक्रीज
इन गुडविल। इनफैक्ट गुडविल क्यों, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स, मैं इंटेंजिबल एसेट लिख रहा हूं, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है ये, इंटेंजिबल एसेट्स मैंने बोल दिया आपको तो समझ में आ ही गया होगा ये लिखना है हमें, ठीक है, ये लिखा बस, और कुछ इसके अंदर आएगा नहीं। और एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, बड़ा सिंपल सी बात बताना मुझे कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में आएगा तो अच्छा है बिजनेस के लिए या प्लस में, बताइए। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो प्लस में भी आ रहा था, माइनस में, माइनस में बेकार होता है, प्लस में ठीक रहता है। सेम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में भी आ सकता है, अगर आपका माइनस में आया तो आप क्या लिखोगे, यूज्ड कर दोगे, अगर प्लस में आए तो, और यहां पे हम लिख देंगे फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये टोटल इधर लिखोगे, इसके बाद ये टोटल देन यहां आ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर कोई टोटलिंग रहेगा नहीं इसका। तो बताओ ये जब अगर यूज्ड आएगा वो बेटर है या फिर फ्लो आएगा तो बेटर है। देखो फ्लो कब लिखेंगे, जब हमारा क्या आएगा पॉजिटिव, यूज्ड कब लिखेंगे, जब हमारा नेगेटिव होगा। अगर मैं अगर बात करूं यूज्ड की, तो यूज्ड पता है कब आता है, यूज्ड आने का रीजन है जब हम एसेट्स को खरीदते हैं, तो जब कभी भी हम एसेट्स को खरीदते हैं तो बिजनेस के लिए क्या है, बढ़िया है, बिजनेस के लिए गुड है ये। तो आप जितने एसेट्स खरीदते जाओगे बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, ये गुड माना जाएगा। तो बिजनेस के लिए यूज्ड जब कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा तो हमेशा बिजनेस के लिए ठीक माना जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना, समझे बात। अब बी पार्ट कंप्लीट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कुछ भी नहीं है। नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप आ गए हो, आगे आगे आ जाओ आगे, यहां पे जगह खाली है। तो ध्यान देखो, जो बच्चे लेट आए हैं सबसे पहले तो वो गलती कर रहे हैं कि भाई टाइम पे नहीं आए। दूसरी बात, आपको बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, एक एक्टिविटी खत्म हो चुका है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी आप सोचो ऑपरेटिंग के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही तीन चार बातें हैं, खत्म। इसके बाद हमारा सी पार्ट आ जाएगा। सी किसको नाम दे दें हम, बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो। अब जब कभी भी पॉइंट डालोगे उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना सर। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी फर्स्ट क्लास में और स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास में और स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि कौन कौन से आइटम किस किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ था लोन और शेयर कैपिटल, तो यहां पे कुछ आइटम प्लस के होंगे। प्लस का मतलब जब पैसे आएंगे लोन से या कैपिटल से तो प्लस कर देंगे। अब सर लोन या कैपिटल का मतलब अगर आप इशू करोगे, इशू कह दूं या इंक्रीज, इशू या इंक्रीज, क्या शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब सर शेयर कैपिटल में कौन सा कैपिटल होगा यहां पे, शेयर कैपिटल में कौन सा कैपिटल होगा यहां पे, हो सकता है, मे बी पॉसिबल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो और इक्विटी, दोनों ही। इंक्रीज मतलब जैसे अभी 50,000 है फिर 60 हो गया तो 10 बढ़ गए ना, तो हम 10,000 प्लस में लिखेंगे इस कॉलम में। सेम और प्लस होने के रीजन क्या हो सकते हैं हमारे, इशू कर दें हम क्या डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, सेम डिबेंचर जैसे इशू करोगे तो पैसा आएगा। और क्या हो सकता है, इंक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बोला था आपको इसे हम यहां कंसीडर करेंगे, इंक्रीज क्या हो जाए बैंक ओवरड्राफ्ट। और कब आ सकता है पैसा हमारे पास, बैंक लोन
टेकन। सर बैंक लोन टेकन कैसे होगा? पहले मेरे पास 5 लाख रुपए था लास्ट ईयर में, अब 7 लाख है। तो आप समझना होगा कि 2 लाख के और लोन फ्रेश लिए हैं हमने, तभी बढ़ा है ये, ठीक है। ये प्लस होने के रीज़न हो गए, कुछ माइनस होने के भी तो होंगे रीज़न। जो प्लस होने का रीज़न है यही सब माइनस होने के रीज़न है। अगर उल्टा हो जाए, जैसे इक्विटी शेयर इंक्रीज की जगह पे क्या हो जाए, डिक्रीज, तो पैसा दे रहे हैं। सेम डिबेंचर इशू होने की जगह पे हो जाए रिडीम। सेम ऐसे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह पे हो जाए डिक्रीज इन, और सेम बैंक लोन टेकन के जगह पे हो जाएगा बैंक लोन रीपे। रीपे करेंगे ना तो माइनस में जाएगा। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है माइनस में, जैसे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड किसके ऊपर? किसी के ऊपर, चाहे लोन के ऊपर हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो, चाहे आपका डिबेंचर पे हो। और क्या माइनस होगा जी? डिविडेंड पेड। और क्या माइनस होगा? डिविडेंड पेड। ये सारा माइनस करने के बाद, इन सभी को माइनस करने के बाद क्या मैं यहां पे ये भी लिखूं? आप जब नोटिंग करोगे ना तो ध्यान देना, मेरे पास यहां नीचे स्पेस तो नहीं है, मैं एक लिख देता हूं। माइनस होगा बाय बैक ऑफ शेयर। शेयर का बाय बैक, शेयर को वापस खरीदने को बोलते हैं बाय बैक करना। फिर मैं एक लाइन लिख सकता हूं आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसका उल्टा करके आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास यहां देखा जाए तो 3 एक्टिविटी हैं, और तीनों एक्टिविटी का इससे ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं हमारा। क्या बड़ा नहीं है हमारा? यहाँ पे ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था, एक बार आपका ऑपरेटिंग अच्छे से हो जाएगा ना, तो फिर समझ मान के चलो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बस एक फॉर्मेलिटीज़ रह जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हमें करना है, और दैट्स इट, और कुछ नहीं रहता। चलो मैं नोट ही कर देता हूँ यहाँ पे, माइनस कर दूंगा मैं रिडीम ऑफ या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। और क्या माइनस करना है आप बताओ? चलो बैंक लोन, लोन का रीपे। रीपे का मतलब समझ रहे हो, वापस लौटाना। और क्या हो सकता है ऐसे? सेम ना, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए होता है वर्ड रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक सवाल आता है सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम इशू करते हैं तो हमें क्या करेंगे? पैसा मिलेगा सिक्योरिटी प्रीमियम? जैसे मान लो 10 रुपये का शेयर आपने इशू कर दिया है, 1 रुपये का प्रीमियम लिया है, तो कितने रुपए आए आपके पास? तो या तो आप इंक्रीज वाले शेयर में 11 लिख दें। अगर आप 11 यहाँ लिख देते हैं तो प्रीमियम अलग से दिखाने की आवश्यकता है ही नहीं। मान लो आपने यहाँ 10 दिखाया है, तब आपको अलग से लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू। समझे बात ये मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पे? 1 रुपये, समझ में आया? तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो आप 11 ही लिख दीजिए यहां पे प्रीमियम ऐड करके दिखाइए, या फिर आप अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से। सेम प्रीमियम आपका हो सकता है रिडम्पशन पे भी। जैसे आपने 10 रुपये के डिबेंचर, 100 रुपये के डिबेंचर के बदले वापस किया 110 रुपये। हमने डिबेंचर वाले चैप्टर में देखा है इसको, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो जब हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो 100 के बदले अगर 110 वापसी कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट 110 लिख दें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। बोल रहे सर हम तो प्रीमियम अलग दिखाएंगे और डिबेंचर का रिडम्पशन। तो ऐसे केस में क्या करोगे? यहाँ 100 दिखाओगे, एक और माइनस क्या कर दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा नहीं ये प्रीमियम क्यों लिखा है मैंने?
तो ये पूरा का पूरा हमारा सिनेरियो है किसका, कैश फ्लो फ्रॉम। आप इसका सिंपली टोटल करोगे और टोटल करने के बाद ये टोटल आएगा और यही टोटल आप नीचे लिख दोगे और नीचे लिखने के बाद लिखोगे या तो आएगा आपका कैश फ्लो या आएगा यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है ये चैप्टर। अब सर इसमें एडजस्टमेंट होंगे, एडजस्टमेंट किस पे होगा, बिल्डिंग पे, पहले डन कर चुके हैं। एडजस्टमेंट होगा इन्वेस्टमेंट पे, हम पहले ही देख चुके हैं परचेज बाय सेल कैसे निकलता है। नहीं इन्वेस्टमेंट का नहीं भी देखा तो हम कर लेंगे। एक आपका एडजस्टमेंट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेमेंट पे। सर कैसा एडजस्टमेंट हो सकता है, बीच में रीपे हुआ हो बीच में, तो वो सारी चीज़ें हम पहले कवर, इसलिए हमारे स्टार्टिंग वाली क्लासेस में टाइम लग रहा था। क्योंकि आज वाली क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ देखोगे कि छोटी सी जानकारी मिली और आपको आगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और पुरानी क्लासेस में हमने ज़्यादा टाइम इसलिए इन्वेस्ट किया था ताकि हमें आज दिक्कत ना हो। समझ में आए यहाँ तक। अब हमारे पास तीन पॉइंट्स निकल चुके हैं, ए पॉइंट्स निकल चुका है, बी पॉइंट्स निकल चुका है और सी पॉइंट्स। ए पॉइंट को क्या नाम दिया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी पॉइंट को क्या नाम दिया था, इन्वेस्टिंग, और सी पॉइंट को क्या नाम दिया था, फाइनेंसिंग। ये जब काम हो जाता है तो एक और हमें काम करना पड़ता है। यहाँ पे क्या काम करना पड़ता है, अब हम लिखेंगे कैश, यहाँ पे लिखेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिंदी मतलब या तो कैश होगा या कैश के बराबर का कुछ भी हो, उसे यहीं लिखना है। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी और सी। अब मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे ए का मतलब क्या होगा और ये भी समझ पा रहे होंगे कि बी और सी का मतलब क्या है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आंसर निकाला वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो आंसर निकाला वो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो आंसर निकाला वो। क्योंकि सबके तो मैंने नाम डाल दिए ना ए बी सी। अब इसमें माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी, तो माइनस होगा तो आप माइनस प्लस तो कर ही सकते हो। आपने इसने यहाँ लिख दिया, आपने जो भी आंसर आया, या तो आप इसको करने के, यहाँ करने से बेहतर है आप इसी कॉलम में कर लें, ठीक है ना। ये आ गया, इसको टोटल करके आपने, ये दिखा दिया टोटल। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें कुछ चीजें प्लस करते हैं, क्या प्लस करेंगे सर, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस कैश का, और क्या प्लस करेंगे सर, ओपनिंग बैलेंस बैंक का, और क्या प्लस करेंगे सर, ओपनिंग बैलेंस मैंने छुड़वा दिया था करंट इन्वेस्टमेंट का, ओपनिंग बैलेंस हमें यहां डायरेक्टली लिख देना है डायरेक्ट। इसके बाद जो टोटल करेंगे ना तो जो रिजल्ट आएगा उसे बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके बैलेंस शीट के अंदर कैश का क्लोजिंग बैलेंस देख लोगे, मैं क्वेश्चन करूंगा तो चेक करोगे, बैंक का भी देख लोगे उसको भी जोड़ोगे, और करंट इन्वेस्टमेंट का देख लोगे उसको भी जोड़ दोगे। जब आप तीनों को जोड़ दोगे तो इसी के बराबर आपका आएगा, यानी इसका आंसर आपको पहले से